हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चेस्ट की होम वर्कआउट बताने वाला हूँ, जिससे आप जिम जैसा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना, वहां मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, वर्कआउट आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या वो वर्कआउट करनी है आपको, जिम जैसा रिजल्ट आप ले सकें। तो दोस्तों, हमें वर्कआउट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है इसमें। तो ये लेनी है हमें कुछ बिछाने के लिए, नीचे चटाई वगैरह या कुछ भी ले सकते हैं बिछाने को, और दो ईंट ले सकते हैं। ईंट ना हो, डंबल हो तो डंबल का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। तो वार्म अप हम इस तरीके से अपनी चेस्ट को खोल सकते हैं, ओके, और 5-6 पुशअप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए मैं वर्कआउट लगा रहा हूँ, तो मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, पहला सेट हमारा ये होगा। तो ईट लेनी है हमें साफ सुथरी, जिस पर तो थोड़ा मसाला लग रहा है, आप इस पर फोकस ना करें। तो हमारा पहला सेट ये होगा। लेटने के बाद आपको इस तरीके से अपने कोहनियां सीधी रखनी है, जैसे कि ये बिल्कुल सीधी, और इस तरीके से आपको वर्कआउट करनी है, और सीधा ही जाना है, ऊपर स्क्यूज करना कस के, और नीचे को इस तरीके से सीधा आना है। इस तरीके से इसको वर्कआउट को करें, और 3 से 4 सेट लगाएं, और 15-15 रिपीटेशन लें, तो आप इससे बहुत अच्छी मसल बना सकते हैं। और हमारी दूसरी जो वर्कआउट है वो है ये वाली, देखें इसको मैंने आपस में मिलाई। आपस में मिलाने के बाद हमें लेट जाना है, ये लेटे लेटे ही आप नीचे रेस्ट ले सकते हैं थोड़ा सा, और इस तरीके से इसको लगाना है दोनों आपस में मिला के। ये यहाँ लाना हाथ, आपको पास से दिखा, इस तरीके से 15-15 रेपिटेशन और 3 से 4 सेट लगाएं, बहुत अच्छा पंप आएगा चेस्ट के अंदर। थर्ड हमारी एक्सरसाइज जो है वो तीसरी, वो ये है, आपको सीधा खड़ा होना है एकदम इस तरीके से, और आपकी ईंटें जो है बिल्कुल सीधी रहनी है, यूं ऐसा खड़ा हो जाना आपको, और इस तरीके से इसको लगाना है वर्कआउट को, ऐसे आराम आराम से मसल पे ध्यान रखते हुए कि हम जिस चीज की वर्कआउट कर रहे हैं उस पर लोड पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरीके से लगा रहे हैं उल्टी सीधी, ऐसा यू यू, फिर शोल्डरों पे भी पहना रहा है, तो इस तरीके से लगाना आराम से, बहुत अच्छी मसल बना पाएंगे आप इस तरीके से। अब हमारी जो चौथी वर्कआउट है वो ये है कि आपको जो नॉर्मल पुशअप होती है उसको लगानी है, लेकिन लगानी कैसे है, दोनों ईंटों को रखकर इस तरीके से इतने गैप में देख रहे हैं आप, और सीधा जाना आपको, कमर आपकी सीधी रहेगी इस तरीके से, और हमारा चेहरा रहेगा सामने सामने, देखना है आपको इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको ध्यान रहे कि नीचे तक जाना पूरा, और ऊपर स्क्यूज करना कस के, और नीचे को भी अपनी चेस्ट को खींचना है, यानी कि इस तरीके से 14 हो गए 15। तो 15-15 रेपिटेशन लें, और इसमें पुशअप में आप 2-2 सेट कम कर सकते हैं, यानी 2-2 रेपिटेशन कम कर सकते हैं, और ये 4 वर्कआउट करें आप, और जिम जैसा रिजल्ट लें। तो दोस्तों, ये थी 4 वर्कआउट, आप करके अपने अच्छी खासी मसल को बना सकते हैं, अपने चेस्ट को बना सकते हैं, और आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और डाइट फॉलो करते रहना। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय, अपना ख्याल रखना।